चलिए तो 11th वालों, सबसे पहले भाई आप लोग से एक बात फिर से हम कहना चाहते हैं, हम लोग का क्लास शुरू हो गया है, चल रहा है, हम लोग का 10-12 क्लास हो गया है और आज ब्रह्मा क्लास हम लोग का है। यानी इतना दिन हम लोग पहले 11th में बहुत सारे बेसिक बात भी किए हैं और हम लोग का चैप्टर भी शुरू हो गया है और चैप्टर में हम आपको बहुत कुछ सिखाए थे, अच्छे तरह से सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमको बताइएगा जरा कि अगर हमको कुछ लिखवाना होता है, जैसे में डिफाइन वगैरह या कुछ भी लिखवाना होता है, तो आपको बोर्ड पर लिख कर दिखाएं या ऐसे बोले तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बोलते हैं, अगर आप लिख पाते हैं उसको पॉज कर कर के जो हम बोले आराम से, एक बार हम दो बार दोहरा रहे हैं, तिहरा रहे हैं, क्योंकि लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है जिसके कारण हम लिखना नहीं चाहते, क्योंकि लिखने से कोई फ़ायदा, आप लोग तो ऐसे भी बोल के लिख सुन के लिख सकते हैं, तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो हम लिख भी सकते हैं, तो आप हमको बता दीजिए कि अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है ऐसे में, तो आपको बताना है और कमेंट करके बताना है, हम जो आप कहेंगे वैसे हम लोग काम करेंगे। तो चलो सबसे पहले एक बात हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी हमारे नए भाई हैं जो 11th में गए हैं, यानी 10th से एग्ज़ाम देकर 11th में गए हैं, इस बार 11th में हैं, तो उनको सबसे पहले हमारे साथ जोड़ दीजिए और आप भी अपने साथ उनको जोड़ लीजिए और कहिए कि नया क्लास शुरू है, नए तरह से चल रहा है, रेगुलर क्लास चल रहा है और फुल्ली आपको क्लास की तरह सब व्यवस्था मिलेगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग उन सभी भाइयों को जोड़ दीजिए, आपके जो भी रिश्तेदार में हैं, कहीं भी हैं, आपके दोस्त हैं, वो कोई भी बोर्ड से हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से हो, अगर माध्यम हिंदी है तो उनको जोड़ दीजिए। और हम इंग्लिश मीडियम का भी क्लास अलग से सेपरेट रूप से चालू करेंगे, तो अनाउंस आप लोग को कर देंगे, जो इंग्लिश मीडियम से होंगे उनके लिए भी हम बता देंगे, अभी 2 या 3 दिन में, कल या परसों तक आपको अनाउंस कर देंगे, आपको बता देंगे कि इंग्लिश मीडियम का क्लास चालू होगा, तो किस रूप में चालू होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, 4-5 वीडियो बनाना पड़ जा रहा है जिसके वजह से अभी हम नहीं काम कर पा रहे हैं उस पर। तो आप लोग अगर ज़्यादा हैं, अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हमारे पास हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम उस पर भी काम करेंगे। और आज से 10th का भी एक क्लास शुरू हो रहा है, 10th का भी शुरू कर रहे हैं, तो जो भी आपके 10th के भाई बहन हैं उनके पास भी इस लिंक को शेयर कर दीजिए। इसके बाद आपको डेली 10th का एक वीडियो मिलेगा, 12th का मिलेगा, 11th का मिलेगा, तो आप किसी भी क्लास के हैं तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों में जो भी पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम आपका हमेशा आभारी रहेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं और सपोर्ट अच्छा खासा आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहें। तो चलो हम लोग बात करते हैं पढ़ाई की, तो पढ़ाई में हम लोग 11th वाले कल देखे थे बाबू डिफिनेशन, तो उसमें हम क्लासिफिकेशन कार्बन का पदार्थ का क्या किए थे वर्गीकरण, और पदार्थ कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर बांटा गया, कौन कौन से उसके अवस्था होते हैं, प्रकार कौन कौन से होते हैं, सारा कल हम डिटेल में काम किए थे, सभी का डेफिनेशन हम बता दिए थे, तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ आगे काम करते हैं। कल हमने सारा चीज़ बता दिया था कि क्या है तत्व, क्या है यौगिक, कार्बनिक यौगिक क्या है, अकार्बनिक यौगिक क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, हम आप लोग को एक अंतर भी लिखने के लिए बोले थे कि आप लोग यौगिक और मिश्रण में अंतर लिख कर आइएगा। तो कुछ स्टूडेंट हमारे पास, कुछ भाई हमें दिखाए भी हैं, एक दो दिखाए हैं, और जो नहीं दिखाए हैं प्लीज़ अगर आप लोग जानते हैं तो खुद से लिखे, नहीं तो ऐसे भी हम आज आपको लिखवा देंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग कल जिस तरह से पढ़े थे कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है, यौगिक में कार्बनिक कौन है, अकार्बनिक कौन है, मिश्रण कौन है, मिश्रण में समांग कौन है और विषमांग कौन है, तो उससे पहले हम आपको 3 चीज़ बताए थे। एक बाबू तत्व, जो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आ रहा था, जिसे हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। दूसरा बाबू हम लोग का मिल रहा था यौगिक, जिसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। एकदम अच्छे तरह से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और तीसरा बाबू मिश्रण, जिसे हम लोग अशुद्ध पदार्थ के रूप में भी जानते हैं, मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ, जिसे हम लोग इंग्लिश में मिक्सचर और इम्प्योर मैटर के रूप में जानते हैं।
इम्प्योर मैटर। तो इसके बारे में हमने पिछले क्लास में बताया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो 11वें दिन का क्लास जरूर देखें। तो ये तीन चीज़ के बारे में आज हम लोग कुछ काम करने वाले हैं। हम लोग चुनने वाले हैं कि किसको हम लोग तत्व कहेंगे, किसको हम लोग यौगिक कहेंगे और किसको हम लोग मिश्रण कहेंगे। एक बात आपको बताया थे कि तत्व क्या होता है बाबू, तो समान तरह के इसमें परमाणु होते हैं, लेकिन यौगिक क्या होता है, तो यौगिक भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं। मिश्रण क्या होता है, तो भिन्न भिन्न तरह के पदार्थ होते हैं, लेकिन मिश्रण और यौगिक में एक विशेष, ये दोनों सेम है। जब दो या दो से अधिक मिलता है तो यौगिक और मिश्रण का निर्माण होता है, लेकिन दोनों में अंतर बस ये है कि यौगिक जो होता है एक तरह से एक निश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है। निश्चित अनुपात कहने का मतलब एक तरह से डिफिनिट होता है, यानी हम किसी भी अनुपात में नहीं बना सकते हैं, उसके लिए हमको एक फिक्स रेशियो चाहिए। और मिश्रण जो होता है अनिश्चित अनुपात में होता है, यानी किसी भी अनुपात में इसे हम मिला देंगे दो पदार्थ को तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम है और कार्बोनेट है, दोनों को मिलाते हैं बाबू तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 यानी दोनों एक अनुपात एक में मिलकर बना है, तो इधर भी एक अनुपात एक में ही दिख रहा है। लेकिन अगर हमको क्या बनाना हो, यानी यहाँ पर देख लीजिए फिक्स है, हमको जब तक एक अनुपात एक कैल्शियम और कार्बोनेट का मिश्रण नहीं बनेगा, जब तक इस कंपाउंड का निर्माण नहीं होगा, तो ये जो निश्चित अनुपात में मिलकर बन रहे हैं और दोनों अलग अलग पदार्थ दिख रहा है, तो इस तरह के जो कंपाउंड, इस तरह के जो मिक्सचर तैयार होंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, यौगिक। मिश्रण मतलब ही होता है दो या दो से अधिक का मिलना, लेकिन बस अंतर यही है कि मिश्रण जो होते हैं इसमें हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, लेकिन हमको इसमें निश्चित अनुपात में होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर अगर जल की बात कर ले तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी इसमें दो अनुपात एक है, यानी हाइड्रोजन का दो भाग है, ऑक्सीजन का एक भाग मिल रहा है, तो क्या बन रहा है बाबू, जल बन रहा है, H2O बन रहा है। तो एक तरह से निश्चित है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अनुपात एक में ही मिलेंगे तब जाकर ही जल बनेगा। अगर एक अनुपात दो में, यानी हाइड्रोजन एक रहे और ऑक्सीजन का दो भाग रहे, तो उस कंडीशन में शायद जल का निर्माण नहीं होगा, तो एक क्या होगा, यौगिक नहीं होगा। अगर सोडियम क्लोराइड की ही बात करें बाबू, तो NaCl यानी दोनों का बराबर बराबर अनुपात होना चाहिए, एक अनुपात एक, तब जाकर सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो देखिए यहाँ पर निश्चित है, डिफिनिट है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। लेकिन अगर हमको शरबत बनाना हो, क्या बनाना हो, शरबत, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, अगर हमको शरबत बनाना हो तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक चम्मच चीनी के साथ एक गिलास पानी डालना हो तभी जाकर शरबत बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक चम्मच चीनी में अगर एक गिलास पानी में अगर एक चम्मच चीनी डाले तो ही शरबत बनेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। शरबत बनाने के लिए हम दो चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, दो चम्मच चीनी भी एक गिलास में डाल सकते हैं, तीन चम्मच चीनी भी एक गिलास में डाल सकते हैं, एक चम्मच चीनी तीन गिलास पानी में भी डाल सकते हैं, तो भी हमारा क्या बनेगा, शरबत बनेगा। यानी ये हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, इसके लिए हमको किसी भी डिफिनिट अनुपात की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मिश्रण और यौगिक में बस अंतर यही है कि जो मिश्रण होते अनिश्चित अनुपातों में पदार्थों से मिले हुए होते हैं, बने हुए पदार्थ होते हैं, और जो यौगिक होता है एक निश्चित पदार्थों के मिश्रण से, मेल से, उसके संयोग से मिलकर बनने वाला पदार्थ होता है। जबकि हम लोग यहाँ पर अगर काम करें तो यहाँ पर एक और चीज़ समझ में हमको आता है कि जो यौगिक होता है, जैसे मैं मान लेते हैं कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, चौक देखें आप लोग, चौक आप लोग अपने क्लास में कभी पढ़े होंगे तो चौक जरूर देखे होंगे। वो चौक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग खड़िया के रूप में जानते हैं, खड़िया या चौक उसी को कहते हैं, उजला पत्थर भी इसी को कहते हैं, संगमरमर भी इसी को कहते हैं, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो चौक आपके पास होता है ना, वही होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो उजला उजला होता है। तो एक बात बताओ तो बाबू, इसमें हम पता कर पाते हैं कि कैल्शियम और कार्बोनेट दोनों अलग अलग पदार्थ है, तो इसमें आप पता कर पाते हैं कि कैल्शियम किधर है और कार्बोनेट किधर है।
पता कर पाते हैं? नहीं ना, नहीं पता कर पाते। लेकिन अगर हमको एक मिक्सचर का पैकेट दे दिया जाए और उसमें हमको पता करने को कह दिया जाए कि इसमें पता करो बाबू कि इसमें मिक्सचर में दाल किधर है, सेव किधर है, किशमिश किधर है, छुहेड़ा किधर है, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं, यानी वो आपको दिखाई भी देता है। लेकिन एक और बात आपको आता है कि कोई कह दे कि बाबू एक गिलास शरबत है, यानी एकरा में क्या क्या घुला है, चीनी और पानी, और आपको घोल कर दे दे, शरबत बना कर दे दे और कहे कि बाबू इसमें पता करके देखो तो इसमें कने चीनी है, कने पानी है, तो क्या आप पता कर पाइएगा? नहीं। एक बात तो आपको यहाँ पर फिक्स है कि जो हमारा यौगिक होगा ना बाबू, ये हमेशा समांग मिश्रण के रूप में होगा, यानी समांग होगा। समांग क्या होता है तो कल बताए थे, समांग किसे कहते हैं, तो जिसका संपूर्ण संगठन यानी संपूर्ण भाग एक समान हो उसे हम लोग समांग कहेंगे। और एक बताए थे बाबू बिसमांग, तो जो बिसमांग होता है वो क्या होता है, तो जिसका संपूर्ण संगठन एक समान नहीं हो। तो कल हम पढ़ाए थे बाबू कि मिश्रण दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है, या तो समांग मिश्रण होगा या तो बिसमांग मिश्रण होगा। समांग मिश्रण वो होंगे जिसके संपूर्ण संगठन एक समान हो, और बिसमांग वो होंगे जिसके संपूर्ण संगठन एक समान नहीं हो। जैसे मैं अगर आपको कोई चीनी पानी का घोल तैयार करके दे दे तो इसमें आप पता कर सकते हैं कि चीनी किधर है, पानी किधर है, नहीं, यानी ये समांग मिश्रण है। लेकिन अगर कोई चीनी में तेल मिला दे, सॉरी पानी में तेल मिला दे, तो पानी में तेल कितना भी मिलाएगा उसके बाद अगर आपको कहेगा कि पता करो बाबू किसमें तेल किधर है पानी किधर है, तो क्या आप आसानी से पता नहीं कर लीजिएगा? आप आसानी से पता कर लीजिएगा, यानी वो एक तरह से बिसमांग मिश्रण है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आपको पता करने को कहे कि बाबू पता करो कि कैल्शियम किधर है, कार्बोनेट किधर है, तो क्या आप पता कर पाइएगा? नहीं। यानी यौगिक का हमेशा, जैसे मैं H2O यानी जल ही आपको दे दे और कहे कि इसमें हाइड्रोजन बताओ और ऑक्सीजन बताओ किधर, आप पता कर पाइएगा? नहीं। यानी इसका हमेशा संपूर्ण संगठन एक समान होता है। तो यहाँ पर एक और तरह के हमको यौगिक मिल रहा है कि जो यौगिक होता है वो हमेशा समांग होता है, जबकि जो मिश्रण होता है वो समांग और विसमांग दोनों होता है। तो चलो ये सब बात हमने कल कर दिया था। तत्व तो हम लोग बताए थे सोडियम पोटेशियम लिथियम रुबिडियम, जो भी दिखे जिसका एक से अधिक हम किसी भी विधि द्वारा नहीं कर सकते, भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा नहीं कर सकते, हम उसको तोड़ नहीं सकते, उसे हम लोग तत्व कहते हैं। और अभी तत्काल में तत्व की संख्या 118 है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये तत्व की संख्या 120 है, यानी इसमें दो तत्व की संख्या और बढ़ गया है। लेकिन हम अभी पढ़ेंगे 118 इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास अभी 118 तत्व ही अवेलेबल है, दो तत्व और आ चुके हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप गूगल पे देख सकते हैं, जो अपडेट पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको एस ब्लॉक में दो दो वर्ग है ना, उसमें दोनों में नीचे 119 और 120 आपको दो तत्व बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन अभी उसका संपूर्ण पूर्ण रूप से सभी तरह का प्रॉपर्टी नहीं मिल पाया है, जिसके कारण अभी वो आधा अधूरा है, तो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। तो हम लोग 118 याद करेंगे, 118 तत्व हमारे पास है और इसी तत्व से हम लोग क्या बनाते हैं, तो यौगिक का निर्माण करते हैं। तो हमको आज का काम यहां पर है कि कुछ हम यहां पर लिखते हैं पदार्थ का नाम और उसमें आपको पता करना होगा कि इसमें तत्व कौन है, यौगिक कौन है और मिश्रण कौन है। तो चलो जल्दी से आप लोग बताएगा, आप लोग देखिएगा तो बताइएगा, कमेंट करके लिखिएगा कि हाँ ए क्या है, तत्व है, ए क्या है, यौगिक है, ए क्या है, मिश्रण है। निम्न में तत्व, यौगिक तथा मिश्रण का, मिश्रण को चुने। और एक बात तो आपको और पता ही होगा कि जो तत्व और यौगिक है एक तरह से शुद्ध पदार्थ है, तो यहां पर आपको शुद्ध और अशुद्ध भी चुनने को कहेगा, तो आप आसानी से चुन दीजिएगा। जो तत्व और यौगिक रहेगा वो शुद्ध रहेगा और जो मिश्रण रहेगा वो क्या रहेगा, अशुद्ध रहेगा। तो चलो हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मैं सबसे पहला हमारे पास अगर आ जाए चौक, दूसरा हमारे पास आ जाए जल, तीसरा हमारे पास आ जाए
सर्वत। इसके बाद हमारे पास आ जाए कुहासा। कुहासा। इसके बाद हमारे पास आ जाए सोना। इसके बाद हमारे पास आ जाए पीतल। ये सभी में आपको बताना है कि कौन सा तत्व है और कौन सा यौगिक है और कौन सा मिश्रण है। इधर अगर हमको मिल जाए अगर हमको पता करना हो जैसे मैं पूछ दे यहां पर कोई दे दे कांसा अठमा अगर हमसे कोई कह दे सोडियम अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ बाबू ब्रोमीन ये हिंदी आप लोग के लिए लिख रहे हैं ठीक है ब्रोमीन अगर कोई आपसे कह दे कांसा हो गया है अगर कोई आपसे कह दे चीनी पानी चीनी तेल का घोल अगर कोई आपसे कह दे बाईस कैरेट सोना बाईस कैरेट सोना अगर कोई आपसे कह दे रूबीडियम रूबीडियम अगर कोई आपसे कहे सल्फर अगर कोई आपसे कहे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड चलिए ये सभी में आपको क्या करना है तो आपको चुनना है बताना है कि इसमें कौन है जो यौगिक है कौन है जो तत्व है और कौन है जो मिश्रण है। तो चलो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाओ और इसमें जल्दी से बताएगा कि चलो इसमें आप लोग को चुनना है ठीक है ना आप लोग को चुनकर एच डब्ल्यू दिखाना है। तो आप लोग सब अपने अपने कॉपी में पहले इसको नोट कर ले उसके बाद हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि कौन सा है जो तत्व है कौन सा है जो तत्व है कौन सा है जो यौगिक है और कौन है जो मिश्रण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चौक। तो चौक एक तरह से क्या है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में आपको मिलता है जिसका सूत्र होता है बाबू कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है क्या आपको क्या लग रहा है सूत्र ये जो आपको लग रहा है क्या यौगिक होगा तत्व होगा या मिश्रण होगा। तो यहाँ पर आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट किस रूप में मिल रहा है यौगिक यौगिक। अगर जल के बारे में देखें बाबू तो जल H2O तो क्या होगा ये भी क्या होगा यौगिक। अगर हम लोग यहाँ पर देखें शरबत शरबत तो शरबत क्या है चीनी पानी का मिश्रण है यानी ये हमारा क्या हो जाएगा मिश्रण। एक कुहासा कुहासा क्या है कुहासा क्या है आप लोग बताइएगा इसको हम छोड़ देते हैं ठीक है कुहासा को हम छोड़ देते हैं। कुहासा को जो कोहरा होता है इसको आपको बताना है आप बताइएगा कि क्या है यौगिक है कि ये मिश्रण है या तत्व है। सोना क्या है बाबू तो सोना तत्व है। इसके बाद पित्तल एक बात बताओ पित्तल कैसे बनता है तो कल बताए थे कॉपर और जिंक के मिश्रण से। कॉपर कितना परसेंट तो 80% जिंक कितना परसेंट तो 20% ये दोनों मिलकर क्या बनता है तो पित्तल बनता है। तो एक बात बताओ तो कॉपर और जिंक इसमें एक ही तत्व है कि दो तत्व है दो तत्व है और दोनों अलग अलग रूप से मिल रहा है यानी 80% 20% तो इस कंडीशन में एक क्या है एक तरह से मिश्र धातु है ना दो धातुओं के मिल से बन रहा है यानी दो को मिला हुआ है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे
पित्तल है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रण, यानी अशुद्ध पदार्थ हो गया। शुद्ध तो नहीं है, शुद्ध कब होता है, जब अकेला रहता है तब, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, मिश्रण। यहां पर देखिए कांसा, कांसा भी एक तरह से क्या है, मिश्रण, क्योंकि कांसा में 90% और 10% एक कॉपर और एक जिंक, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिश्रण। सोडियम, सोडियम क्या है आप सभी जानते हैं, सोडियम क्या है, तत्व। ब्रोमीन क्या है, तत्व। ब्रोमीन का सिंबल आप लोग सभी जानते हैं ना, Br, सोडियम का Na। यहां पर चीनी तेल का घोल है, तो चीनी तेल का घोल अभी बताया बाबू क्या होगा, मिश्रण। 22 कैरेट सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, 22 कैरेट लिखा हुआ है, यानी ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। तो अशुद्ध हो रहा है यानी इसमें और कुछ ना कुछ मिलाया जाएगा, सिल्वर मिला दे, कॉपर मिला दे, कुछ भी मिला दे, तो इसमें कन्फर्म है कि कुछ ना कुछ और धातुओं का मेल होगा, यानी 22 कैरेट सोना होगा और 2 कैरेट कुछ और मिला दे, तो इसमें तो 2 कैरेट अलग से मिल रहा है ना जी, तो ये तो मिश्रण बना दिया, यानी ये क्या हो जाएगा, मिश्रण। यहाँ पर रूबीडियम, रूबीडियम क्या है बाबू, तत्व। इसके बाद देख लीजिए सल्फर, सल्फर क्या है, तत्व। और एक और आपको मिल रहा है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सिंबल क्या हो, जिसका सूत्र क्या होता है, CO2। तो बताओ तो क्या है, 1:2, यानी एक कार्बन और ऑक्सीजन के 1:2 से मिलकर बना है, यानी क्या हो जाएगा, यौगिक। ये हमारा हो गया बाबू तत्व, यौगिक और मिश्रण का पहचान। इस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं कि इसमें कौन तत्व है, कौन यौगिक है और कौन मिश्रण है। तो चलो जल्दी से आप लोग इसका नोट कर लो, और जो बताए हैं उसे आप लोग जरूर बताइएगा, कोहरा और कुहासा का आप लोग को बताने के लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है, तो आप लोग को बताना है, जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, चलिए नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग को एक और चीज़ बताना है, कल हमने बताया था बाबू मिश्रण, तो इस मिश्रण में आपको एक बात बताना है कि इसमें कौन सा मिश्रण, इसमें आपको जितना दिखाई दे रहा है, अगर आपसे पूछ दे कि इसमें कौन सा मिश्रण शुद्ध है और कौन सा मिश्रण समांग है और कौन सा विसमांग है, तो एक बात बताओ इसमें कौन समांग और कौन विसमांग आपको दिख रहा है, कितने मिश्रण आपको इसमें दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पांच मिश्रण में आपको बताना है कि कौन सा मिश्रण समांग है और कौन विसमांग है। तो सर्वत, समांग किसको कहते हैं, जिसमें संपूर्ण भाग एक समान हो, और विसमांग किसे कहते हैं, जिसका संपूर्ण भाग एक समान नहीं हो। तो यहां देख सकते हैं सर्वत, जब सर्वत बनाते हैं तो चीनी पानी का घोल होता है, या चीनी नमक का घोल होता है, या कुछ का भी घोल होता है, घोलने के बाद क्या आपको पता चलता है कि इसमें चीनी किधर है, पानी किधर है, नहीं ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वत। सामान्य रूप से चीनी पानी या नमक पानी का ही घोल माना जाता है, तो ये एक तरह से जो मिश्रण होगा ये समांग मिश्रण होगा, ठीक है। अब इधर देखेंगे हम लोग बाबू चीनी तेल, इसके बाद हमारा एक पित्तल है, क्या है, पित्तल। तो पित्तल में जिंक और कॉपर मिला हुआ होता है, लेकिन आप पता करते हैं कि इसमें जिंक किधर है और कॉपर किधर है, नहीं ना, यानी पूर्ण संगठन इसका एक समान दिखता है, यानी अभी क्या होगा, समांग। इसी तरह से यहाँ पे कांसा, तो कांसा भी आपको एक समान दिखाई देता है, इसमें भी नहीं पता चलता है कि किधर है हमारा पित्तल और किधर है हमारा कॉपर और किधर है जिंक, यानी ये भी एक तरह से कैसा मिश्रण होगा, समांग मिश्रण। एक और हमारा यहाँ पर दिख रहा है बाबू चीनी तेल, चीनी तेल का मिश्रण। तो क्या चीनी तेल के मिश्रण मिलता है, बनता है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें चीनी किधर है, तेल किधर है, आराम से देख सकते हैं कि चीनी किधर है, तेल किधर है, तो ये जो मिश्रण होगा कैसा होगा, विसमांग मिश्रण होगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब 22 कैरेट का सोना, यानी जो सोना से आभूषण तैयार होता है वो 22 कैरेट का होता है, 20 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, 24 कैरेट का होता है, तो इतना लचीला शुद्ध सोना इतना लचीला होता है कि उससे हम डिजाइनगर आभूषण नहीं बना सकते हैं, टूट जाता है, तो उसको से आभूषण बनाने के लिए उसमें कुछ अलग से धातु मिलाना पड़ता है, तो 22 कैरेट कैरेट में मापते हैं सोना को, तो 22 कैरेट 20 कैरेट 18 कैरेट का होता है, तो उसमें कुछ और अलग से कॉपर मिलाया जाता है, जिंक मिलाया जाता है, सिल्वर मिलाया जाता है, सिल्वर कम, ज़्यादातर कॉपर ही मिलाया जाता है, क्योंकि रंग कॉपर सोना से मिलता जुलता है, इसलिए कॉपर ही ज़्यादा मिलाया जाता है, जिससे आपको पता भी नहीं चलता है और उसका काम भी हो जाता है। आप बहुत ठगाते हैं,
ठीक है ना, क्योंकि आप शुद्ध सोना का दाम दे रहे हैं और आपको डुप्लीकेट सोना दे रहा, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। तो ये आपको 22 कैरेट का सोना मिल रहा है, आभूषण मिल रहा है, तो क्या आप उसमें पता कर पा रहे हैं कि 22 कैरेट अगर हमारा सोना है तो 2 कैरेट और क्या मिलाया हुआ है, और अगर इसमें मिल रहा है तो इसमें किधर कॉपर है और किधर सोना है आप पता कर पाते हैं? नहीं। यानी ये पूर्ण का पूर्ण संगठन एक समान दिखाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? समांग। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पता कर लिया कि समांग क्या होगा, विसमांग क्या होगा। अब हम लोग को एक छोटा सा टॉपिक पे ध्यान देना है कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। तो हम ये आप लोग को HW देते हैं, आप लोग को HW लिख कर दिखाना है कि यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है। ठीक है, यौगिक तथा मिश्रण में अंतर लिखना है आप लोग को HW में। हम दे रहे हैं, जो भी HW बनाते हैं हमारे नंबर पे WhatsApp करें अपने कॉपी को फोटो खींचकर, और जो फर्स्ट में नंबर आपको WhatsApp नंबर दिख रहा होगा उस नंबर पे आप जरूर भेजें, ताकि हम HW चेक कर पाएँ। और बहुत सारे भाई हमारे पास भेजते भी हैं, जो भेजते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो HW रहेगा, यौगिक और मिश्रण में अंतर। अब एक बहुत ही खास चीज़ हमको देखना है, जब यहाँ पे पदार्थ की बात हो रहा है, पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़िए, पदार्थ का वर्गीकरण कर लिए, सभी वर्गीकरण का डिफ्रेंशन देख लिए, पहचानने के लिए सीख गए कि किस तरह से पहचानेंगे कि कौन तत्व होगा, कौन यौगिक होगा, कौन क्या हमारा होगा, तो कौन हमारा मिश्रण होगा। एक और चीज़ बताए थे, अवस्था बताए थे, पदार्थ का अवस्था जो होता है मुख्य रूप से ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन ठोस होता है, कौन द्रव होता है, कौन गैस होता है। अगर हम लोग तत्वों की बात करें बाबू, तो हमारे पास टोटल कितने तत्व है? 118 तत्व में हमें लगभग 80% तत्व जो है धातु है, उसको अगर हम छोड़ दें तो कुछ हमारा अधातु है और कुछ हमारा उपधातु। उपधातु की संख्या माने तो 7 है। तो इस तरह से हमने धातु, अधातु और उपधातु को देखा था। इसमें आपको बता देते हैं कि पूरे 118 तत्व में मात्र 2 तत्व ऐसे हैं, एक ब्रोमीन और दूसरा पारा, जो द्रव अवस्था में रहता है, बाकी हमारा गैसीय अवस्था और ठोस अवस्था में पाया जाता है। यानी लगभग सभी धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस आप आसानी से समझ गए होंगे, हमको पता है। लेकिन अब हमको यहाँ पर आता है बाबू कि जब हम लोग पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ में परिवर्तन भी होता है। पदार्थ का वर्गीकरण जब 2 आधार पर हो रहा है, तो पदार्थ का सब कुछ 2 आधार पर, हम लोग सभी 2 ही तरह से परिवर्तित होते हैं। या तो भौतिक परिवर्तन में आते हैं, या तो हमारा भौतिक वर्गीकरण होता है, या तो हमारा भौतिक गुण होता है, और या तो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण होता है, रासायनिक वर्गीकरण होता है। यानी हमारे पास 2 ही तरह के काम ही है, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। तो कल हम लोग वर्गीकरण देखे, तो बाबू तो आज हम लोग कुछ देख लेते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ में परिवर्तन भी होते हैं। तो परिवर्तन भी कितने तरह के होंगे? 2 तरह के होंगे। कौन कौन? तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। और इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि पदार्थ के गुण भी होते हैं, कौन कौन? तो एक भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। तो चलो सबसे पहले हम लोग HW जो दिए हैं उसको आप जरूर बनाइएगा। और आज हम लोग का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट परिवर्तन के बारे में, और आज के बाद आप कभी भी दिक्कत में नहीं पड़िएगा। और ये बात हम लोग को 9th क्लास में ही पढ़ना था। तो सब आप लोग कॉपी अपनी टॉपिक बनाइए, परिवर्तन, पदार्थ का परिवर्तन, पदार्थ का परिवर्तन, पदार्थ का परिवर्तन। चेंज ऑफ मैटर। चलो इससे भी हम अच्छे तरह से दिखा देते हैं कि जो पदार्थ का परिवर्तन होता है वो 2 तरह का होता है। शॉर्ट में ही बता देते हैं कौन कौन परिवर्तन होता है बाबू। तो बस 2 तरह के परिवर्तन आप सभी जानते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा बाबू रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, पदार्थ में परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें बाबू, तो इसको हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज। थोड़ा बहुत तो आप लोग इंग्लिश लिख ही लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और रासायनिक परिवर्तन को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज।
अभी चेंज क्या है, पदार्थ में परिवर्तन क्या है, तो परिवार परिवार का पदार्थ क्या, दुनिया का परिवर्तन जायज है, हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो भी पदार्थ है, हम तुम आप सभी दुनिया में जितने भी चीजें, ब्रह्मांड में जितने भी चीज दिख रहे हैं, सभी के सभी क्या है, पदार्थ है। और पदार्थ में दो ही तरह का परिवर्तन होता है, एक परिवर्तन जो होता है भौतिक परिवर्तन, और दूसरा परिवर्तन जो होता है रासायनिक परिवर्तन। अब यहां पर हमको पता करना है कि परिवर्तन क्या है, पदार्थ में परिवर्तन क्या है। तो हम परिवर्तन का मतलब ही समझ रहे हैं कि पहले के तुलना में बदल जाना, यानी मान लेते हैं कि अभी आपको पेन इस तरह से दिख रहा है तो अब ऐसे दिख रहा है, यानी इसमें पहले के तुलना में परिवर्तन हुआ। यहाँ पे आपको पहले व्हाइट दिख रहा है, अब यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, यानी पहले के तुलना में परिवर्तन हुआ। तो यही परिवर्तन है, लेकिन ये परिवर्तन दो तरह का है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनना बाबू, एक बार सुनेगा कभी जिंदगी में नहीं भुलाएगा। वैसा परिवर्तन जो पहले के तुलना में पुनः आ जाए, पूर्वावस्था पहले के तुलना में जो पुनः वापस आ जाए, पहले के तुलना में जैसा पहले हो, पूर्वावस्था में पुनः आ जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उसे हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज। वैसा परिवर्तन जो पहले के अवस्था में पुनः वापस आ जाए, पूर्वावस्था में पुनः वापस आ जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। जैसे अगर हम लोग बात करें बाबू, कोई आपसे कह दे कि अच्छा तुम्हारे घर में जो बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब का एक स्विच है, उस स्विच से यहाँ पे बल्ब कनेक्शन है, उस स्विच को आप दाबते हैं तो यहाँ पे बल्ब जलना शुरू हो जाता है, ठीक है, बल्ब जलने लगा, ठीक है, बल्ब जल रहा है। फिर आपसे कोई कहेगा कि इस स्विच को क्या करो कि दाब दो, फिर इस स्विच को दाब दिए तो बल्ब क्या हो गया, बुत गया। यानी बल्ब जैसा पहले से था बुता हुआ, फिर से बुत गया। यानी ये बल्ब पहले की अवस्था में पुनः वापस आ गया कि नहीं आ गया, फिर इसको दाब दिया फिर जलने लगा, यानी फिर से जलने लगा, फिर से इसको दाब दिया फिर से बुत गया, यानी फिर से क्या हो रहा है, अपने अवस्था में वापस आ जा रहा है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। पदार्थ का वैसा परिवर्तन जो पहले के अवस्था में पुनः वापस आ जाए, वैसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, तो भौतिक परिवर्तन। समझ में आ रहा है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। जैसे अगर बात कर ले बाबू कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बर्फ का टुकड़ा है, अब बर्फ क्या होने लगा, पिघलने लगा, तो बर्फ पिघलने लगा तो क्या बन गया, पानी बन गया, जल बन गया। अब एक बात बताओ जरा ध्यान से, बर्फ से क्या बन गया पानी। तो एक बात बताओ, तो ये पानी से बर्फ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं। यानी बर्फ से पानी कब बनेगा, जब हम इसको हीट करेंगे तब, और पानी से बर्फ कब बनेगा, जब हम इसको ठंडा करेंगे तब। तो देखो तो बाबू, बर्फ से पानी और पानी से बर्फ, यानी फिर से पहले के अवस्था में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी पानी को जब हम लोग ठंडा करें तो बर्फ में आ जाएगा, और बर्फ से फिर पानी में आ जाएगा, यानी बर्फ का पिघलना या जल का जमना कैसा परिवर्तन होगा, तो भौतिक परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन। तो हमको उम्मीद कर रहा है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो जो पहले के अवस्था में पुनः वापस आ जाए उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और इसका विपरीत हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जो पूर्वावस्था में वापस ना आए, यानी पहले के अवस्था में फिर से दोबारा नहीं आए, वैसे परिवर्तन को हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैं मान लेते हैं कि एक हमारा क्या है, तो एक हमारा है रस्सी, ठीक है, रस्सी है,
धागा है, अब हम इसको जला दिए, तो जला दिए तो एक बार रस्सी जल गया तो फिर क्या वापस आएगा? नहीं आएगा। यानी रस्सी का जलना कैसा परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। एक बात और बताओ, अगर मेरे पास कोई कागज का टुकड़ा है, कागज को हम जला दिए, जलाने के बाद फिर क्या कागज फिर से वापस आएगा? नहीं आएगा। यानी कागज का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगर कोई हमको कहे कि लकड़ी को जला दो, लकड़ी को हम जला दिए, जलाने के बाद फिर से लकड़ी वापस आएगा? नहीं आएगा। तो लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। तो हमको उम्मीद कह रहा है कि अब ये दो बात आप समझ गए होंगे कि किसे हम लोग कहेंगे कौन सा परिवर्तन। लेकिन इसमें बहुत एक खास बात है, वो बात हम बताते हैं। उससे पहले आप अपने कॉपी में टॉपिक बना लीजिए, पदार्थ का परिवर्तन। और पदार्थ का परिवर्तन कितने होते हैं बाबू? दो होते हैं। तो जल्दी से आप अपने कॉपी में इसी तरह से डायग्राम बना लीजिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन लिखकर डैश दीजिए, भौतिक परिवर्तन लिखकर डैश दीजिए। लिखिएगा पदार्थ का वैसा परिवर्तन जो पूर्व अवस्था में यानी पहले के अवस्था में पुनः वापस आ जाए वैसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, चलो जैसे मैं लिख लूँ, बल्ब का जलना, मोम का पिघलना। मोम, देखिए आप लोग के दिमाग में कुछ कुछ बात जा रहा होगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसा भी सीख लिया होगा कि मोम का पिघलना कर रहा था। अच्छा सर, रेकरा में तो रासायनिक परिवर्तन होगा। नहीं, हम उसके बारे में बताते हैं। अगर मोम का पिघलना की बात आ जाए तो हमेशा भौतिक परिवर्तन होगा। मोम पिघलेगा तो फिर से हम मोम को पिघला देंगे तो फिर से हम उससे मोम बना सकते हैं। उतना मात्रा में उतना क्वांटिटी नहीं आएगा, लेकिन गुण प्रॉपर्टीज मोम का ही रहेगा। तो मोम को पिघलाने के बाद फिर से हम मोम बना सकते हैं। यानी मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन होगा? तो भौतिक परिवर्तन होगा। चलो लिख लो, जल का जमना या बर्फ का पिघलना .. चलिए रासायनिक परिवर्तन लिखकर डैश दीजिए। लिखिएगा पदार्थ का वैसा परिवर्तन जो पूर्व अवस्था में पुनः वापस ना आता हो वैसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना एक तरह का दूसरा प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के बारे में बात नहीं बता रहे अभी। परिवर्तन, एक बार से दूध से दही बना देंगे तो क्या दही से हम फिर से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। दूध से दही बनाना, कागज का जलना, रस्सी का जलना, पेड़ का टूटना, लकड़ी का जलना, चलिए .. चलिए अब आप लोग यहाँ पर दो बात बहुत अच्छे तरह से सीख लिए होंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, पदार्थ में परिवर्तन क्या है, पदार्थ में कितने तरह के परिवर्तन होते हैं। लेकिन
एक बात यहाँ पर हर भाई हर दोस्त के पास कन्फ्यूजन होता है, जो टेंथ क्लास से इलेवंथ क्लास में गए होंगे उनके पास भी ये कन्फ्यूजन होगा। वो कौन सा कन्फ्यूजन है? तो कन्फ्यूजन ये है कि मोमबत्ती का जलना या मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन है। सॉरी, मोमबत्ती पिघलता नहीं है, जलता है। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, यहाँ पर हर किसी के पास दिमाग लगाना है और सबको बताना है कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है। चलिए आप लोग जरूर बताइएगा, लेकिन लेकिन हम बता देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ध्यान से समझिएगा हमारे बातों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है। मोमबत्ती कुछ ऐसा ही होता है ना, जब हम मोमबत्ती को जला देते हैं, तो मोमबत्ती जलने लगता है और धीरे धीरे मोमबत्ती पिघलने लगता है। ठीक है, पिघल रहा है मोमबत्ती, पिघलता है तो धीरे धीरे मोमबत्ती छोटा होता है, एक समय होता है कि खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा गया कि इस मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन। आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया फिजिकल चेंज, बी में दिया गया केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन, सी में दिया गया ए और बी दोनों यानी फिजिकल और केमिकल दोनों, और डी में दिया गया नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से आप बताइए, किसमें कौन से परिवर्तन होंगे आप कमेंट करके बताइएगा। जैसे ही क्वेश्चन सुने आप कमेंट पहले कीजिए, उसके बाद आगे देखिएगा, तब हम जानेंगे कि आप स्टूडेंट हैं अच्छे वाले। तो जल्दी से आप बताओ कि कौन से होंगे। तो बहुत सारे भाई ने फिजिकल चेंज को आंसर किया होगा, टिक किया होगा, हमको पता है बहुत सारे को यही लगा होगा कि फिजिकल चेंज होगा। कुछ को लग रहा हो कि अच्छा मोमबत्ती तो पिघल जाएगा तो फिर से आएगा नहीं, तो बहुत के दिमाग में जा रहा होगा कि केमिकल चेंज होगा, लेकिन किसी के दिमाग में ये नहीं जा रहा होगा कि इसका आंसर सी भी होगा, इसका आंसर डी भी होगा। हम जानते हैं आप सभी के दिमाग में बस यही दो बात जा रहा है कि या तो फिजिकल या तो केमिकल, आधा के दिमाग में फिजिकल आधा के बाद केमिकल। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने बताया था कि मोम का जलना मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन होगा, तो आपके दिमाग में तो भाई अच्छा मोमबत्ती मोम, और बहुत के दिमाग में ये होगा क्योंकि अभी हमने बताया कि पिघला देंगे तो खत्म हो जाएगा तो फिर से वापस नहीं आएगा, तो बहुत सारे के दिमाग में होगा कि रासायनिक परिवर्तन होगा। लेकिन अब हम लोग आइए, यहां पर आप लोग इस तरह के ऑप्शन लगाते हैं और आपका नंबर आता है 0, यानी आप फेल हो जाते हैं। अब फेल हो जाते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो अब सब कहेगा कि सर सी होगा, कैसे होगा सी? आइए ध्यान से देखते हैं, हमने क्या बोला मोमबत्ती, और हमने क्या बोला आप सभी जानते हैं, मोमबत्ती को ही जलाना है और बताना है कि इसमें कौन से परिवर्तन है। आप सबके घर में मोमबत्ती जरूर होगा अभी, क्योंकि अभी जो 4-5 अप्रैल का जो हम लोग मोमबत्ती जलाए थे, मोमबत्ती शायद आप लोग सभी घर में बचा ही होगा, तो आप जाकर उसको जरा देखिए मोमबत्ती में क्या है। मोमबत्ती में दो चीज़ है, एक मोम है और दूसरा उसमें एक रस्सी है, धागा है, जिसको हम लोग बत्ती कहते हैं। मोम प्लस बत्ती तब जाकर मिलकर बनता है मोमबत्ती, ठीक है ना। यानी इसमें हमको दो चीज मिल रहा है, एक इसमें बत्ती लगा हुआ है, एक इसमें मोम है। अब जब जलाते हैं इसको तो यहां से बत्ती जलना शुरू हो जाता है और मोम पिघलना शुरू हो जाता है। मोम पिघल कर नीचे बिखर जाता है लेकिन बत्ती जलकर खत्म हो जाता है। बत्ती तो नहीं बचता है, बत्ती का राख बचता है थोड़ा सा। इसमें बत्ती पूरा जल गया, मोम पिघल गया, तो जब मोम पिघल जाता है तो आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, मोम को फिर से ऐसे से रगड़ते होंगे और फिर से मोम बनाने का कोशिश करते होंगे, बन जाता होगा। यानी मोम पिघल गया तो उस मोम से फिर से हम लोग मोम बनाएंगे, लेकिन इस बत्ती को फिर से हम लोग बत्ती बनाएंगे नहीं ना। बस आंसर मिल गया, यानी इसमें दोनों चीज एक साथ मिला हुआ है, एक बत्ती और एक मोम। यानी बत्ती जल रहा है तो नहीं आ रहा है, तो कैसा परिवर्तन? रासायनिक। मोम पिघल रहा है फिर से वापस आ रहा है, कैसा? भौतिक। आज के पहले शायद आपके दिमाग में ये बात नहीं होगा कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन होगा, लेकिन आज जरूर आप अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लिए होंगे कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन। तो मोमबत्ती का जलना ना ए होगा ना बी होगा, आंसर होगा
सी, ए और बी दोनों, यानी इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए कहीं कि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन दिखाते हैं। अब हम लोग एक छोटे से टॉपिक पे बात करते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, यानी पदार्थ का गुण, पदार्थ का गुण कैसा होता है। तो यहाँ पर दो तरह के गुण होते हैं पदार्थ का। सबसे पहले अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग को यहाँ पर देखना है बाबू कि पदार्थ में गुण कितने तरह के होते हैं। चलिए तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, एक छोटा सा टॉपिक है। चलिए तो यहाँ पर हमको देखना है कि पदार्थ का गुण, ठीक है, पदार्थ का गुण, जल्दी से इसको बता देते हैं। पदार्थ है तो पदार्थ का गुण कितने तरह का होता है, तो पदार्थ का गुण भी दो तरह का होता है। कौन कौन बाबू? तो एक होता है भौतिक गुण, भौतिक गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और दूसरा होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण किसे कहेंगे? तो वैसा गुण जिसके पूर्ण संगठन में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, वैसा गुण जिसका पहले से जो वास्तविक गुण है उस गुण में कोई भी परिवर्तन ना हो, उस तरह के गुण में हम लोग कहेंगे पदार्थ का कैसा गुण, तो भौतिक गुण। लेकिन रासायनिक गुण कैसे किसे कहेंगे? तो वैसा गुण जो उसके गुण में रासायनिक परिवर्तन दिखाता हो, यानी जो उसके गुण में रासायनिक परिवर्तन लाता हो या बिना रासायनिक परिवर्तन के उसमें कुछ भी होने वाला ना हो, तो वैसे गुण को हम लोग कहते हैं रासायनिक गुण। अब यहाँ पे बात आता है कि भौतिक गुण के रूप में क्या क्या होंगे। तो रंग, रंग बदलता है, गंध बदलता है, द्रवणांक बदलता है, क्वथनांक बदलता है, यानी सामान्य स्थिति में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, डॉट 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 इटी से। लेकिन रासायनिक गुण जो कहता है कि उसमें रासायनिक परिवर्तन दिखाता है, तो क्या हो जाएगा? दहन, विस्थापन, विस्थापन, वेग, डॉट 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 इटी से। तो ये सब जो गुण है, ये दो तरह का गुण है, ये सभी पदार्थ का रासायनिक गुण है और ये सभी पदार्थ का भौतिक गुण है। तो हम लोग कल मिलते हैं अच्छे से एक टॉपिक, मापन की इकाइयाँ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बस ऐसे ही है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस आपको हम बता दिए। आप ध्यान में रखिएगा कि पदार्थ में कितने तरह के गुण होते हैं और कौन कौन गुण होते हैं और किसे कहते हैं। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले जो HW दिए हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए, और कल के क्लास में हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स या यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मापन की इकाइयाँ हम लोग देखेंगे। उसमें हमको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री क्या कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक इम्पॉर्टेंट बात है, तो कल के क्लास आप लोग करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी अपने दोस्तों को जोड़ें। तो फिर से मिलते हैं आपके साथ एक नए क्लास में।